सारी चीज़ों की शुरुआत लोगों को अपने घरों से करनी चाहिए। माता पिता को संस्कारों को डालना चाहिए, बच्चों को बताने चाहिए कि हमारे संस्कार क्या हैं, हमारा सनातन धर्म क्या है, उसके बारे में बताना जरूरी है। नमस्कार, जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। राजधानी दिल्ली के रानीबाग का श्री नागरिक रामलीला एवं दशहरा कमेटी आसपास के इलाकों में काफी मशहूर है। यहाँ दूर दूर से लोग रामलीला देखने आते हैं। इस मशहूर रामलीला की शुरुआत हो चुकी है और इसके मंचन से लेकर आयोजन और थीम सब कुछ इस बार पहले से ज्यादा भव्य और रोहत पैमाने पर आयोजित किया गया है। दैनिक जनमत की पुकार के मुख्य संपादक आर के जायसवाल ने रामलीला कमेटी के प्रधान मदन खुराना व कलाकारों से बातचीत की। देखिए पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज, आर के जायसवाल के साथ। श्री नागरिक रामलीला एवं दशहरा कमेटी के मंच पर और यहाँ के प्रधान हैं हमारे मदन खुराना जी, इनसे जानना चाहेंगे किस तरीके का आयोजन किया गया है और कितने उत्साहित है इस रामलीला को लेकर। श्री नागरिक एवं दशहरा कमेटी के इस बारी 55 साल पूरे हो रहे हैं और पिछले 2 सालों में कोरोना काल के कारण रामलीला नहीं हुई, तो पूरी टीम में और पूरी जनता में बहुत उत्साह है और सभी श्री नागरिक रामलीला कमेटी के पदाधिकारी गण बहुत जोर शोर से लीला मंचन में लगे हुए हैं और जितना हम श्री राम के जीवन से उनके बताए हुए रास्तों को ग्रहण कर पाएंगे उतना ही हम समाज और देश की सेवा कर पाएंगे। इस मंच से क्या संदेश देना चाहेंगे? श्री नागरिक रामलीला एवं दशहरा कमेटी इस मंच से बहुत अच्छा संदेश दे रही है। जो भी संस्थाएं, न्यूज चैनल और धार्मिक संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं जो समाज और देश की सेवा कर रहे हैं, हम तकरीबन पूरी दिल्ली में जितनी भी संस्थाएं हैं उनको यहां बुलाकर सम्मानित कर रहे हैं ताकि वो और जोर शोर से समाज और देश की सेवा कर सके। हम उनके काम को सराहना करते हैं, उनको सलूट करते हैं, इसी प्रकार वो देश और समाज की सेवा करते रहे। कुराना साहब, ये कलाकार बाहर के होते हैं या यहीं लोकल होते हैं? श्री नागरिक रामलीला एवं दशहरा कमेटी आज 55 साल पूरे हो रहे हैं और 55 साल से सारे कलाकार यहीं से हैं। कोई गेस्टेड ऑफिसर है, कोई गेस्टेड ऑफिसर रिटायर है, कोई प्रोफेसर है, कोई बिजनेसमैन है, कोई फैक्ट्री वाला है और हमारी संस्था में भी जो जुड़े हुए लोग हैं, समाज के बड़ी प्रतिष्ठित लोग हैं। हमारे मुख्य संरक्षक विनोद वर्ष जी बैठे हुए हैं जो श्री परशुराम कॉलेज के महासचिव हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज के रोनी थे। हमारे बीच में कविता नागपाल जी हैं, नरेश नागपाल जी हैं जो जिनके पिताजी श्री बनवारी लाल नागपाल जी जो हमारे मुख्य संरक्षक होते थे इस रामलीला के, उनसे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। हमारी रामलीला में कोई भी पेड़ कलाकार नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है और आगे भी हम इनके सहयोग से ऐसा ही रामलीला का मंचन करते रहेंगे। 55 साल पुराना रामलीला, कितना उतार चढ़ाव देखा आपने इस रामलीला के माध्यम से? जायसवाल जी, श्री नागरिक रामलीला में दशहरा कमेटी जब ये पीछे लद्दाराम वाटिका और डेसू दफ्तर में होती थी, मुझे याद है हम छोटे छोटे होते थे, दिन में आके बोरी में ईंट बांधकर अपना नंबर लगा लेते थे और उस टाइम रामलीला देखने आते थे और इतना रश होता था और उस टाइम रामलीला सवेरे 3-3, 4-4 बजे तक चलती थी और दर्शक मंडल हमारे जो मुख्य निर्देशक है श्री इंदर सेठी जी, निर्देशक श्री नंगी शर्मा जी, कुलदीप कालिया जी उप निर्देशक, श्री रवि शर्मा जी वरिष्ठ कोऑर्डिनेटर, राधेश्याम शर्मा जी, सुरेंद्र रुखी जी कोऑर्डिनेटर और हमारे जो संरक्षक हैं श्री जीत यादव जी, अजीत बलजीत यादव जी और भी गणमान्य व्यक्ति जो हमारे संरक्षक श्री कैलाश खुराना जी जिनके नेतृत्व में हम इस रामलीला का आयोजन करते हैं। इन सभी पदाधिकारियों का और हमारे मुख्य संरक्षकों का हमारे बहुत योगदान होता है, समय समय पर हमें पद दिखाते रहते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं। हम इनके बहुत बहुत आभारी हैं और ऐसे ही एकजुट होकर हम श्री राम लीला का मंचन करते रहें और समाज और देश की सेवा करते रहें, यही मनोकामना है। हमने आपसे वादा किया था कि हर कलाकारों से आपको बातचीत कराएंगे कि कौन कलाकार हैं, कौन ये राम का किरदार कर रहे हैं, कौन सीता का किरदार कर रहे हैं, ये बड़ी उत्सुकता थी लोगों में, तो मैं इसलिए आया हूँ आज रामलीला के मंच पर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकित कपूर है। कपूर जी, कितने वर्षों से आप ये किरदार कर रहे हैं राम का?
मुझे यहाँ पर रामलीला करते हुए लगभग 9 से 10 साल होने वाले हैं, और ये श्री राम जी का जो रोल है ये पिछले 2 साल कोविड का थोड़ा सा गैप आ गया, तो 2018-2019 और ये 2022 से तीसरा साल है मुझे राम जी का रोल निभाते हुए। जी, जो बच्चे रामलीला दिखना नहीं चाहते, टिकटॉक का जमाना है, कैसे लोगों को आकर्षित करते हैं ताकि लोग यहाँ पर देखने आए रामलीला? सर देखिए, आजकल जिस तरीके से हम एक शब्द इस्तेमाल करते हैं कि ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं, सारी चीज़ों की शुरुआत लोगों को अपने घरों से करनी चाहिए। माता पिता को संस्कारों को डालना चाहिए, बच्चों को बताने चाहिए कि हमारे संस्कार क्या हैं, हमारा सनातन धर्म क्या है, उसके बारे में बताना ज़रूरी है। क्योंकि जिस तरीके से घर से शुरुआत होती है इन्हीं चीज़ों की, आप रोज़ बच्चे को आदत डालने की, एक बार हनुमान चालीसा छोटे बच्चे को पढ़वाएँ, बताएं श्री रामचरितमानस के बताएं, जब आप ये चीज़ें बच्चों को बताते हैं तो उन्हीं के अंदर उसी तरीके के जो संस्कार होते हैं वो डेवलप होते हैं। तो मेरी एक रिक्वेस्ट जो है सारे पेरेंट्स से ये रहेगी कि आप अपने बच्चों को रोज़ कोई ना कोई धार्मिक कथन, कोई ना कोई किताब, कुछ ना कुछ रोज़ एक बारी पढ़वाएँ जरूर। कोई ऐसा डायलॉग जो हमारे दर्शकों को आप सुनाना चाहें? देखिए, एक डायलॉग तो श्री रामचरितमानस में जो मेन आता है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। जी, आइए हम बात करते हैं, सीता माता के किरदार कर रहे हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सनी दुआ है और पिछले 16 साल से मैं सीता का रोल कर रहा हूँ। 17 साल हो गए मुझे, 16 साल लेकिन मेरे को सीता का रोल करते हुए हो गए। कितना बदलाव आया पहले और अब में? काफ़ी बदलाव तो अभी कुछ नहीं है, लेकिन जैसा रूप पहले था आज वैसा भी रूप है। मेरा 33 हो चुका है। मैं 18 साल की उम्र में आ गया था यहाँ पे। हाँ, सीता का रोल किरदार कर रहा हूँ। परिंदों को वन में, गुलों को चमन में, मुझे तो चमन है श्री राम जी के चरण में। देख रहे हैं किस तरीके से सीता भी हैं, भगवान राम भी हैं। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ, नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ, नमस्कार।